अभी देखा जाए तो राजधानी पटना में कई शानदार सड़कों का निर्माण किया गया है। इसमें राजधानी पटना में आपको अटल पथ के साथ साथ आपको मरीन ड्राइव सहित कई शानदार सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही अब पटना में दो और सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं दो सड़कों के बारे में। इन सड़क के बनने से बिहार की राजधानी पटना के किन किन इलाकों को फायदा मिलेगा और कहां बनेगा यह सड़क, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जानने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं AJ चैनल। सबसे पहले आपको बता दूं कि पटना वासियों के लिए अब बाईपास से शहर के अंदर प्रवेश करना और भी आसान होगा। दरअसल आपको बता दूं कि कंकड़बाग इलाके में दो शानदार सड़क का निर्माण किया जाएगा, इससे लोगों को जाम से निजात मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन कौन सी सड़क होगी। जिन दो सड़कों का निर्माण किया जाएगा उसमें से सबसे पहली सड़क का निर्माण कंकड़बाग के मुख्य सड़क NH 30 बाईपास तक होगा। यह सड़क कुम्हरार से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए बाईपास तक जाएगी। फिलहाल इस रूट पर जाने के लिए लोगों को संकीर्ण रास्तों गलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां पर अक्सर जाम का सामना आपको करना पड़ता है। अब इस रूट पर 20 फीट नई शानदार सड़क का निर्माण किया जाएगा। दूसरा जिस सड़क का निर्माण किया जाएगा उसमें RMS कॉलोनी होते हुए यह सड़क गुजरेगी। इस सड़क के निर्माण से कंकड़बाग के अशोक नगर रोड नंबर 4 से NH 30 बाईपास के लिए होगा। इन रूट पर निर्माण के लिए मापी का काम शुरू हो चुका है। अतिक्रमण हटाने के बाद इस रूट का निर्माण 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। चलिए जानते हैं कि इस रूट के निर्माण पर कुल कितना लागत आएगा और क्या होगा रूट। दोस्तों आपको बता दूं कि इस रूट के निर्माण पर कुल 13 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जहां पर दोनों सड़कों के लिए 6 और 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इन रूट के बनने से सबसे पहला आपको बता दूं कि लाभ मिलेगा बैरिया बस स्टैंड जाने वाले लोगों को। इसके साथ साथ बाईपास इलाके में रहने वाले लोगों को इसका सीधा तौर पर लाभ मिलेगा। वहीं कंकड़बाग मेन रोड बाईपास आने में लोगों को सुविधा होगी। दोस्तों अगर आप पटना के कंकड़बाग से हैं या पटना से रहने वाले हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता सकते हैं कि इस रोड की कितनी ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।